तुला राशि वाले, आपके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई बताता हूं और आप इस सच्चाई को बहुत अच्छे से देखें और समझें। अगर इस सच्चाई को आप बहुत अच्छे से देखते और समझते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में एक सफल मार्ग यानी एक सफल रास्ते पे चलना प्रारंभ कर देंगे। देखिए होता क्या है तुला राशि वाले कि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं चंद्रमा होते हैं। आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरे नौ ग्रह में चंद्रमा सबसे ज्यादा नाजुक और सबसे ज्यादा सेंसिटिव ग्रह है क्योंकि ये मनुष्य के जीवन में उसके मन का कारक है। आप देखिएगा तुला राशि वाले कि जब भी आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है द्वितीय भाव यानी जहां पे 8 नंबर लिखा होता है जिसे वृश्चिक राशि बोलते हैं, जहां पे ये नीच का होता है, पंचम भाव जहां पे 11 नंबर लिखा होता है यहां पे भी चंद्रमा दूषित होते हैं शत्रु की राशि में बैठ करके, षष्ठम भाव जहां पे 12 नंबर लिखा होता है और इसके अलावा जो है द्वादश स्थान जहां पे 6 नंबर लिखा होता है और इसके अलावा जब भी देखिएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का आगे पीछे कोई ग्रह नहीं बैठा है या फिर जो है चंद्रमा जो है राहु से केतु से या शनि से ग्रसित है या फिर बहुत हद तक शुक्र से भी ग्रसित है तो आप देखिएगा तुला राशि वाले कि आपको हमेशा अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके जो सीनियर रहेंगे आपसे काम निकाल निकाल करके सिर्फ आपको छोड़ दिया करेंगे। व्यापार जगत में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, आपके कंपटीटर बहुत ज्यादा रहेंगे या अन्य क्षेत्रों में भी, ये वह प्रशासनिक हो या राजनयिक क्षेत्र हो, आपको वह सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी और हमेशा कर्म क्षेत्र से पहले आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आलस्य, अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा आपके अंदर वीकनेस और बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे यानी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाया करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला तो आप एक मोती अवश्य धारण करके रखिए अपने जीवन में और एक्टिव रहिए, नेगेटिव बातों को ना सोचें, पिता से तालमेल हमेशा बेहतर बना करके रखिए। कैसी स्थितियों में पिता का व्यापार भी हाथ से जाने का होता है या पिता भी कभी कभी आपके खिलाफ हो जाते हैं और इसके अलावा अपने जीवन में कुछ भी हो जाए आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है और थोड़ा छल करने का कोशिश कीजिएगा। तो आप देखिएगा तुला राशि वाले जीवन में कभी भी आप अपने जीवन में बर्बाद हो ही नहीं सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़वा सच्चाई मैंने आज आपको बता दिया। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, अगस्त के महीने का यानी 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के मध्य का संपूर्ण भविष्यफल यानी राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय तुला राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा अगस्त के महीने में संपूर्ण जगत का हाल, जैसे आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, इनकम, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, शिक्षा, संतान यानी जीवन के जो मूलभूत अंग होते हैं आज के भौतिक संसार में सभी चीजों का चर्चा करूंगा। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए इसके भी मैं आपको बहुत ही विस्तृत और संक्षेप में जानकारी दूंगा। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है, आप चाहें तो इसे लग्न के हिसाब से या नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं। 100% सच्चाई भविष्यवाणी बताऊंगा, अगर किसी को बुरा लगता हो तो मैं माफी का हकदार हूं, मुझे माफ कर देने का कष्ट करें। तुला राशि वाले, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे अगस्त के महीने में कर्म क्षेत्र का हाल। आपके कर्म क्षेत्र पे सूर्य जो है 17 अगस्त तक जो है विराजमान है, इसके अलावा कर्म क्षेत्र को कोई भी ग्रह प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद फिर जो है सूर्य आय स्थान में अवश्य चले जाएंगे। प्रिय तुला राशि वाले, लग्न का स्वामी कहीं भी बैठे तो अशुभ फलदायी नहीं होता है। सबसे पहला 7 अगस्त को शुक्र जो है वक्र अवस्था में कर्क राशि में आ जाएंगे यानी आपके लग्न का मालिक जो है कर्म क्षेत्र में आ जाएगा, जो 17 अगस्त तक सूर्य के साथ रहेगा यानी 17 अगस्त तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि है। 17 अगस्त तक सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर रहेगा। 17 अगस्त तक जो है आपके कोई इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट है या कहीं कोई ज्वाइनिंग था होता हुआ निश्चित तौर पे दिखेगा और 17 अगस्त तक जो है आप बहुत पुराने काम में जिसमें लटके हुए थे वह नहीं हो पा रहा था वह होता हुआ निश्चित तौर पे दिखेगा। 17 अगस्त के बाद सूर्य चले जाएंगे आय स्थान में, जिनकी पंचम दृष्टि चली जाएगी, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे चली जाएगी यानी आपके जीवन में निश्चित तौर पे 17 अगस्त के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर परिणाम और लाभ बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा 17 अगस्त के बाद सरकार से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी आपको मैं दे दूं, आपकी कुंडली में सप्तम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं
और मंगल जो है ये 18 अगस्त से द्वादश स्थान पे चले जाएंगे। निश्चित तौर पे ये अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे जो आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार को तो आगे बढ़ाएगा और इसके अलावा एक ब्रांच से दूसरे ब्रांचेज की ओर लेकर के जाएगा। लेकिन क्योंकि धन भाव का मालिक द्वितीय भाव पे जाएगा तो कोई फ्रेंड सर्कल या परिवार के लोग आपको इस तरीके से परेशान कर सकते हैं या लव लाइफ के चक्कर में या किसी मित्रों के द्वारा इस कारण से परेशान हो सकते हैं कि आपके व्यापार थोड़े से अस्थिर या नौकरी में अस्थिरता हो सकती है। तो किसी भी लालच में ना आकर के आपको 18 अगस्त के बाद अपने काम में फुल फोकस करना है। अगर हड़बड़ा करके कोई नौकरी चेंज करते या ज़्यादा सैलरी के चक्कर में तो हो सकता है आप जो है कि आपके साथ स्कैम या कोई फ्रॉड हो जाए, तो इस मामले में ध्यान दीजिएगा। मैं बात करता हूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, एकदम सीधी बात मैं करता हूं। आपके जीवन में मंगल द्वादश स्थान पर 18 अगस्त को विराजमान होंगे, द्वितीय का मालिक द्वादश स्थान में चला जाए और इसके अलावा जो है भाग्य स्थान प्रबल हो जाए क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक आई स्थान में बैठा हुआ है जो द्वादश का भी मालिक है, तो विदेश यात्रा में प्रबलता है। यानी आपके जीवन में 100% 18 अगस्त का विदेश यात्रा का योग है। किसी का वीजा एक्सटेंशन को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर किसी प्रकार की परेशानी हो रही थी तो उसका भी लाभ आपको 18 अगस्त के बाद मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो अगर आप गलत तरीके से जाएंगे तो हो सकता है मंगल उल्टा आपको किसी परेशानियों में ना फंसा दे, सावधान रहना पड़ेगा। आय की बात करूं, देखिए इस महीने दौलत और शोहरत की कमी तो हो ही नहीं सकती है। 18 अगस्त तक सूर्य मंगल आय स्थान पे है, शुक्र 7 अगस्त तक आय स्थान पे और बुध तो परमानेंट बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है, मैं बहुत ही सीधी बात आपको बताना चाहता हूँ। आपके जीवन में 18 अगस्त तक धन दौलत की कमी नहीं है। जहाँ भी आपके भाई बहन रिश्तेदारों के पास पैसे फंसे हुए हैं, पार्टनर के पास पैसे फंसे हुए हैं, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पैसे फंसे हुए, सारे पैसे निकलते हुए दिखेंगे। हाँ, फिर पुनः मैं यही बोलूंगा कि आपका द्वादश स्थान पे मंगल बैठेगा 18 अगस्त को, तो आपको 18 अगस्त के बाद धन को थोड़ा सा बचा करके रखना है गलत लोगों से। और पुनः 17 अगस्त को सूर्य अपनी राशि का चले जाएंगे आय स्थान पे और पंचम भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो भी आपको यथा धन दौलत का योग बनता हुआ दिखता है। इसलिए बोल रहा हूं कर्म क्षेत्र में शांति बना करके रखिएगा तो आप देखेंगे कि जबरदस्त धन की प्राप्ति होते हुए दिखेगा। इस पूरे महीने किसी भी कंडीशन पे आपको जो है मित्रों से, परिवार के लोगों से थोड़ा सा बच करके रहना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण करके रखना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो आपको कर्म क्षेत्र डैमेज हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ का हाल, क्योंकि इसके बिना भी संसार में कुछ नहीं चलता है। देखिए आपके दाम्पत्य जीवन कारक स्थान में राहु और बृहस्पति विराजमान हुए पड़े हैं, चंडाल योग की स्थिति है। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि वैवाहिक जीवन कलेश कलेश कलेश, ऊपर से शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। समझने वाली बात मैं बता रहा हूँ, ऊपर से शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, जिस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपका जो है वैवाहिक जीवन में कलेश मतभेद की स्थितियां हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि मंगल जो है ये 18 अगस्त तक आय स्थान में है, तो 18 अगस्त तक विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, 18 अगस्त तक वैवाहिक जीवन में बहुत स्थिति ठीक रहेगी, 18 अगस्त तक लव लाइफ की स्थिति भी बहुत ही अच्छी रहेगी, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 18 अगस्त के बाद देखिए मंगल द्वादश स्थान पे जाएगा, तो एक तो सप्तम भाव को पहले से केतु भी देख रहा है और फिर मंगल भी देखना चालू कर देंगे अपनी अष्टम दृष्टि से, तो 18 अगस्त के बाद आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलेश मतभेद, जीवन साथी का स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, लव लाइफ में थोड़ा सा अस्थिरताएं हो सकती हैं, या किसी को बिना सोचे समझे अगर आप कमिटमेंट करते हैं विवाह को तो 18 अगस्त के बाद सामने वाले का जांच परख अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप लव लाइफ में हैं तो 18 अगस्त के बाद मोटे इन्वेस्टमेंट या मोटे खर्च करने से बचना चाहिए, हो सकता है किसी स्कैम या फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं, तो 18 अगस्त के बाद वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है, नहीं तो जीवन साथी के द्वारा किसी परेशानी में आप फंस सकते हैं, तो इस मामले में थोड़ा ध्यान देना है, यानी जीवन साथी से तालमेल बेहतर बना के रखना है। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी यही होती है कि आपको सावधान कर दिया जाए। मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक शनि है जो मकर अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे एक कुछ मामलों में आपको सपोर्ट मिल जाएगा किसका, सूर्य का। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि 17 अगस्त तक जो है चतुर्थ भाव को सूर्य देख रहा है सप्तम दृष्टि से, जहां मकर राशि है। अब क्या है कि सूर्य और शनि में तो मित्रवत संबंध है नहीं, तो 17 अगस्त तक माता से थोड़ा स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस रहेगा,
17 अगस्त तक जो है के पिता से भी थोड़े से अस्थिरताएं हो सकती है, हालांकि पिता से तालमेल ठीक रहेगा। 17 अगस्त तक कहीं भूमि मकान वाहन संपत्ति को बुकिंग करेंगे या लेना चाहेंगे दिक्कत होगा। जैसे ही सूर्य दशम भाव को छोड़ेंगे तो सप्तम भाव पे चतुर्थ भाव पे इनकी सप्तम दृष्टि कम हो जाएगी। यानी 17 अगस्त का भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है, माता का स्वास्थ्य में सुधार है, माता से तालमेल अच्छा है, सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ेगी। कोई आपके संपत्ति को लेकर के विवाद है या खानदानी प्रॉपर्टी विवाद है या आपके ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का विवाद है तो 17 अगस्त के बाद सॉल्व होता हुआ बहुत हद तक आपके जीवन में दिखता हुआ बनता है। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? देखिए शिक्षा के मामले में शनि वक्र अवस्था में बैठे हैं, लेकिन पंचम भाव को बुध और शुक्र का और मंगल का भी बल प्राप्त हो रहा है। आय स्थान से कोई ग्रह पंचम भाव को देखे या पंचम भाव से कोई ग्रह आय स्थान को देखे तो निश्चित तौर पे प्रबलता के योग आपके जीवन में बनता हुआ दिखता है। हालांकि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पंचम भाव के कारक तत्व पावर जो है ये सूर्य के हाथ में है, तो 18 अगस्त 17 अगस्त तक शिक्षा के योग ठीक ठीक है। विदेश जिनको पढ़ाई करना है जाके उनके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन 17 अगस्त के बाद आपका जो है शिक्षा का योग अच्छा है। किसी कारण संतान कंसीव करके रखे थे, स्वास्थ्य में आई स्थिरता परेशानी थी तो उसमें सुधार होगा। लेकिन मैं बार बार यही बोलना चाहूँगा, पंचम भाव में शनि वक्र बैठे हैं और 18 अगस्त तक मंगल पंचम भाव को देखे अंगारक दोष बना के रखा है, यानी आपको 18 अगस्त तक जो है लव लाइफ के चक्कर में, ज़्यादा परिवार के चक्कर में या मित्रों के चक्कर में अगर आप पढ़ाई से कॉन्सेंट्रेशन हटाते हैं तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए इस मामले में आपको थोड़ा बचना है। और अगर आप इनकम के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आपका कोई अच्छा एग्जामिनेशन या इंटरव्यू होने वाला है तो आप इनकम के चक्कर में पढ़ाई से डिमोटिवेट नहीं होइएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ संतान से संबंधित, निश्चित तौर पे संतान से संबंधित 17 अगस्त के बाद सुखों की प्राप्ति है। प्रथम संतान के भी तरक्की के बेहतर अवसर खुलेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे 17 अगस्त तक जो है संतान प्रथम संतान को लेकर थोड़ी मतभेदता रहेगी, किसी कारण से परेशानी उसके जीवन में आ सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द्वितीय संतान का योग बेहतर है निश्चित तौर पर, बल्कि 18 अगस्त के बाद द्वितीय संतान से भी तालमेल अच्छा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल, निश्चित तौर पे 18 अगस्त के बाद थोड़ी सी दांतों से रिलेटेड समस्याएं, पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि 18 अगस्त के बाद थोड़ा सा कर्म क्षेत्र को लेकर हल्की परेशानियां की होकर मानसिक तनाव भी हो सकता है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, उपाय के तौर पे बताने से पूर्व अगर केस मुकदमा की स्थिति की भी मैं बात कर लूँ, देखिए आपकी कुंडली में केस मुकदमा का कारक शुक्र जो है वो 7 अगस्त से वक्र अवस्था में रहेंगे, तो निश्चित तौर पे इस महीने थोड़ा सा केस मुकदमा को लेकर के आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि मंगल भी द्वादश स्थान में जा रहे हैं, तो आपका कोई छोटा दुश्मन है या बड़ा दुश्मन है तो आप उसको दुश्मन ना समझे, महादुश्मन समझ करके छोटी से बड़ी समस्याओं को तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करिए। उपाय के तौर पर आपको 18 अगस्त के बाद हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर देना है, पूरे महीने शनि मंदिर में जाकर के सरसों तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए, और इसके अलावा जो है आपको एक उपाय और करना है, और ये उपाय 7 अगस्त के बाद से करना है, माता लक्ष्मी का पूजा। तो देखिएगा सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में अगस्त के महीने का हाल, संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने बहुत सटीकता से कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।